और जो लोग 100 रुपए में सिलेंडर की बात प्रचारित कर रहे हैं वो स्लिप ऑफ टंग का फायदा उठा रहे हैं कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पहले भी हमने दी, अब वो 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो ये 100 का आंकड़ा पूरी तरह से जमान पे है, तो स्लिप ऑफ टंग है। इसका मिसयूज मैं समझता हूँ कि जो लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं मिसयूज ना करें, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 3-4 मुद्दे ऐसे दिए जिससे महंगाई से लड़ाई लड़ी जाती है। उसमें सर्वप्रथम है कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम देंगे, 1500 रुपए हर महिला के अकाउंट में आएंगे, चाहे वो नौकरी पेशा हो या कोई व्यवसाय कर रही है, और घर में 3 लोग हैं तो 3 महिलाओं को आएंगे, 18 साल से लेकर 60 साल। इसके साथ ही 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 200 यूनिट का बिल आधा लगेगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाएगी, जिससे बुढ़ापे में जो लोग रिटायर हो रहे हैं लंबी नौकरी के बाद उनका आसरा बन सके। इसके साथ ही गरीब लोग हैं जो कि झोपड़ी वाले, तो जो पट्टे हैं उनको रजिस्ट्री करना और उनको कुछ सहायता करना जिससे वो अपना सही पक्का मकान बना सके। ये सब महंगाई से लड़ने के तरीके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में 7वें आसमान पर महंगाई आ गई है, और बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए उपाय कमलनाथ जी सोचे, और कमलनाथ जी वो नेता हमारे जो वचन दे देते हैं उसको निभाते हैं, जैसे वचन